मेरा सेकंड ऑर्डर आ गया है जो कि है एक खास जगह जो कि मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। मतलब खूबसूरत जगह है, खास नहीं है, खूबसूरत है। फिर मैंने सोचा कि मैं आप सबको दिखा दूँ। सो गाइस, अभी आप सोच रहे हो मैं इतना सारा क्यों उठाता हूँ साथ में। तो मैं इसलिए उठाता हूँ ताकि मतलब बीच रास्ते में कोई भी मिलता है ना, कल मैंने जो खजूर लाए थे ना वो मैंने बांट दिए सब में। पानी बिल्कुल भी नहीं, ये देखो गाइस, आज बोल रहे हैं कि मस्जिद में भी पानी नहीं है। ये देखो गाइस, बाइक धोते धोते हाथ कट गया मेरा। ये सब होता रहता है मेरी लाइफ में। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वबिका आमनतु वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्किका अफ्तरतु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हेलो फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और सब खैरियत से होंगे। तो अभी ये वाला व्लॉग शूट हो रहा है, जस्ट अभी आई थिंक 12 बज रहे हैं। मैंने जैसा आपको कल वाले व्लॉग में बोला कि इस वाली बाइक का पंचर हो रखा है, वो देखो। तो अब मैं गया था शॉप पर नज़र देने, मुझे लगा आज संडे तो बंद ही होगा, तो नहीं खुला है। अब मैं ले रहा हूँ बाइक को। सो गाइस, गेस व्हाट, मेरे साथ यार पोपट हो गया। मैं गया ना, मैं पंचर निकलवा रहा था, तो मैं देख रहा हूँ जेब में पैसे ही नहीं है, मेरे को घर आना पड़ा। और मेरे पास फ़ोन भी वही साथ था जिसमें सिम ही नहीं है, उसमें MPG पे तो चलेगा नहीं। अब मैं पहुँच गया घर के पास, मेरी यार सारी एनर्जी ख़त्म हो गई। वैसे गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस, अभी मेरी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई थी। अब मैंने जासिर भाई को निकाला, बोला कि मेरे को छोड़ो, और जासिर भाई के लिए सब प्रे करी, जासिर भाई के लिए सब दुआ कीजिए। ये बीमार है बेचारा। जासिर भाई बीमार हो क्या, फीवर? जासिर भाई हम आए ना कल दरअसल, हम 12 बजे घर आए, तो फिर लेट हुआ सारा कुछ। तो अभी जासिर भाई बीमार हो गए हैं, तो जासिर भाई के लिए दुआ करना। अभी चलते हैं पंचर वाले के पास, उसने ठीक किया होगा पंचर। सो गाइस, अभी टाइम हो गया है जोहर का, अभी जासिर भाई वजू कर रहे हैं, मैंने कर लिया वजू। अभी पहले जोहर की नमाज अदा करते हैं, तब तक भैया पंचर निकाल रहे हैं अभी भी। सो गाइस, अभी पढ़ते हैं नमाज। 6.5 hours later। जावे जी घर, बच्चा है भाई। तो जासिर भाई ने दवाई भी ले ली, वो देख सकते हो आप हेलमेट में है। अभी जासिर भाई करेंगे रेस्ट, मैं दूंगा बाइक, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा मैल चढ़ गया है। इसको धोते हैं, अपने बच्चे को धोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, पानी बिल्कुल भी नहीं, ये देखो गाइस, आज बोल रहे हैं कि मस्जिद में भी पानी नहीं था। ये देखो गाइस, बाइक धोते धोते हाथ कट गया मेरा। ये सब होता रहता है मेरी लाइफ में। अभी वो देख लो गाइस बाइक, अभी इसको सुखाते हैं बाद में, जितने हाथ से थोड़ी देर। ये देखो गाइस, हाथ से कितना खून आ रहा है। हो गई जी बाइक चकाचक एकदम, वो बाहर है। अभी आपको बाइक दिखाते हैं, पहले कैसी थी, कितनी गंदी थी बाइक, अभी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस बाइक की कंडीशन, पहले कितनी गंदी थी आगे से, अभी हो गई साफ। तो गाइस देख लीजिए अपनी बाइक की कंडीशन। अभी टाइम आ रहा है जी 2:20। अभी मिलते हैं आपसे सीधे असर के टाइम, काम पर निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे शाम के टाइम। और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। सो गाइस, हाथ से ज़्यादा खून आ रहा था, अभी बैंडेड लगाते हैं। ये कट गया ना, कट गया पूरा, जैसा कि आपने पीछे देख लिया होगा। इसमें बैंडेड लगाते हैं, क्योंकि इसको ना ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, कि ब्लीडिंग करते हैं बंद, लगाते हैं बैंडेड। सो यस गाइस, लगा लीजिए बैंडेड। अभी मिलते हैं आपसे शाम के टाइम पर, क्योंकि अगर मेरे को ये खूब ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, अगर नहीं रुकी इस चीज़ से, अगर ये उड़ गया, अगर ना ये बैंडेज उड़ गई, तो
तो फिर नहीं से लगाएंगे या फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि इनमें ना इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो यस अभी निकलते हैं बाद में काम पर, मिलते हैं आपसे बाद में। सो वेल गाइस, अभी ये वाला फ्रेम शूट हो रहा है पिछले फ्रेम के लगभग 2-3 घंटा बाद। अभी आता है जी टाइम 6:42, लगभग इफ्तारी का टाइम हो गया है, इफ्तार भी हो गया है। तो वेल अभी मेरे साथ है आज शरबत की बोतल और ये केले 4 और खजूर और ये ना क्या बोलते हैं इसको, ड्रिंक। अभी करते हैं पहले इफ्तार, क्योंकि लेट हो रहा है, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। अभी पहले करते हैं इफ्तारी, ठीक है। اللهم إني لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت بسم الله الرحمن الرحيم سو گائز ابھی آپ سوچ رہے ہوگے میں اتنا سارا کیوں اٹھاتا ہوں ساتھ میں تو میں اس لیے اٹھاتا ہوں تاکہ مطلب بیچ راستے میں کوئی بھی ملتا ہے نا کل میں نے جو کھجور لائے تھے نا وہ میں نے بانٹ دیے سب میں तो फिर मैं शाम को अगर कोई मिलता है तो मैं बांट देता हूँ सब में, सुबह के लिए कुछ नहीं रखता। सो वेल मेरी इफ्तारी तो हो गई है, होप सो कि आप सबकी भी हो गई होगी। अभी मिलते हैं आप इसलिए शाम के टाइम पर। सो वेल गाइस, अभी मेरा सेकंड ऑर्डर आ गया है, जो कि है एक खास जगह जो कि मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। मतलब खूबसूरत जगह है, खास नहीं है, खूबसूरत है। फिर मैंने सोचा कि मैं आप सबको दिखा दूँ। ये रहा जी इसका नाम, That's called Cafe Liberty। ये देखो गाइस, इसका एंट्रेंस कुछ ऐसा है। ये देखो गाइस, क्या ही खूबसूरत जगह है यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये देखो गाइस, ये देखो इसका गेट। अभी जाते हैं अंदर। इधर सॉन्ग चल रहा है तो कॉपीराइट आ जाएगा। ये देखो गाइस, सो वेल गाइस ले लिया जी ऑर्डर, अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर। तेरी, इसका दरवाज़ा इतना बड़ा है, इसको दो हाथ भी कम, इसके लिए दो हाथ भी कम है। देखो गाइस मेरा स्कूटर जो मैं पिछले जन्म में यहाँ पर छोड़ के गया हूँ। अभी निकलते हैं, लिफ्ट यहाँ पर बंद है आज, पता नहीं क्यों। अभी निकलते हैं यहाँ से। सो वेल गाइस, अभी ऑफिशियली पहुंचे जी मैं घर। अभी आप टाइम देख लो पहले, 10:58 अराउंड, मतलब 11 PM राइट नाउ। सो अभी मैं जस्ट घुसा घर। सो वेल जो मेरे को सुबह लगी ना यार, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रही है, और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि घर आते ही मतलब लाइट ही नहीं है। सो वेल अभी ठंड लग रही थी थोड़ी सी, तो अभी सोचा थोड़ा सा गर्मी कर लेते हैं, बट लाइट ही नहीं है, तो लाइट भी नहीं है। सो यस गाइस, अभी ये था day 6। तो इस वाली वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा फॉर व्हाट सो रीज़न, गिव इट द लाइक। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द किसी मस्त से इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।